शांतनु बोल रही हूँ। वेलकम टू शांतनु बर्ड्स का। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैंने जो अभी डिस्कस करेंगे, मैं आज का वीडियो आज ही डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन अभी आप लोग देखने वाले थे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो हम कल कर दिया क्योंकि यूट्यूब में है शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करके जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन को मैंने आज रखा। क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या है क्या नहीं है ये ज़रूर हम बताएंगे। मेरा एक सोच है जो आप लोग सीरियस अबाउट योर बर्ड जो लोग हो उसके लिए वो वीडियो बहुत ही परफेक्ट होगा। लेकिन मैंने सोचा आज भी देखिए बेबी केयर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस है अभी ऑलरेडी है, लेकिन मैं आज जो डिस्कस करूँगा बिना समय गंवाते हुए, एक दिन से सेल्फ फीडिंग से मोटा मोटी पकड़ लीजिए 20 या 30 दिन के भीतर, बारीकी से समझना। हम हिंदी में ही बोलेंगे, नहीं तो सोच रहे बंगाली में बोलेंगे, बंगाली में ही बात कर रहे हैं करेंगे। तो इसीलिए जो कोई भी हो, अगर दादा कोई भी आप हिंदी समझते हो बंगाली नहीं समझते हो, मतलब यही कन्फ्यूजन है मेरे लिए, मेरे जगह में। इसीलिए मैं ज़्यादातर हिंदी में, क्योंकि हम लोग बंगाली जो भाषा जानते हैं, जो हम लोग बंगाली मदर लैंग्वेज बंगाली है, वही तो हिंदी समझते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भाई ने बोला दादा हिंदी सही से नहीं समझते हैं, तो देखिए इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और ये प्रॉब्लम अगर जो कभी कभी ये भी हम देखते हैं, जो लोग हिंदी जिसका मातृभाषा है मदर टंग है, तो बंगाली सही से नहीं समझते। तो मैंने हिंदी में ही बात कर रही हूँ, जो अगर पूरा ओवरऑल जो बंगाली हिंदी सभी को समझ में आए। देखिए बेबी केयर एक चीज़ में गौर कीजिए जो लॉजिकली है। ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, कैमरा पॉइंट कैमरा मेरे सामने है क्योंकि मेरे DSLR कैमरा है, फिर भी लेकिन इसका क्वालिटी में आपको अच्छा लगता है इसीलिए फोन कैमरा से मैं कैप्चर करता हूँ 13 मेगापिक्सल। अगर सब कुछ सेटिंग अच्छा रहा सही रहा तो जो मैं हम बोल रही हूँ इसमें रिकॉर्ड होगा, उसको हम थोड़ा बहुत एडिट करके यूट्यूब में अपलोड करेंगे, आप लोगों के सामने वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वीडियो लॉन्चिंग हो गया, फिर आप लोग क्लिक करके वीडियो को शो कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहाँ पे ऐसे नहीं है जब हम बोल रहे हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो मेरे सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है। हालांकि ये भी हो सकता है टेक्निकली कुछ फॉल्ट ऐसे होता है, जो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है। एक स्थान पे मेरे एक एबीआरई में जैसे जयनगर में उस दिन गया था ऐसे हुआ है, क्योंकि सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैंने ही किया था सेटिंग्स चेंज किया था। तो इसका मतलब ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सब कुछ आप सही कर रहे हो तो आपका बेबी एक्सपर्ट नहीं हो सकता या बेबी का ग्रोथ सही आएगा, अगर कुछ गलत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए बारीकी से समझना नेचुरल मेडिसिन। और एक चीज़ आप जानना चाहते हैं जहाँ ज़रूर कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के ऊपर मतलब ये वीडियो हम ज़रूर एक सीरीज़ बनाऊँगा, नेचुरल केयर के ऊपर एक सीरीज़ बना रही हूँ मैं। सीरीज़ का मतलब 3-4 वीडियो आएगा एक ही प्लेलिस्ट में, और मेडिसिन को कैसे सपोर्ट लिया जाता है, क्योंकि सिचुएशन हम लोग ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करें अगर जिसमें मेरे बार्ड घर में जो बार्ड्स हम लोग पाल रहे हैं उसका कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सही से करेंगे तो नहीं आएगा, जैसे हमने अभी जो उदाहरण दिया ऐसे करेंगे तो आएगा, तो मेडिसिन की सब ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, नेचुरल केयर से ही सब कुछ हो जाएंगे। तो कितने लोग नेचुरल केयर चाहते हो बार्ड्स के ऊपर ज़रूर कमेंट्स में बोलना, तभी जाके मैं वो सीरीज़ बनाऊंगा एकदम बारीकी से जितना मेरा नॉलेज है और जो कुछ भी वीडियो में साथ हम बोल सकते उसी के ऊपर बैक टू बैक वीडियो आएगा। मतलब आज एक वीडियो आएगा, कल एक वीडियो आएगा, परसों एक वीडियो आएगा, तरसों एक वीडियो आएगा, ऐसे करके आएगा, एक दिन में ही सब कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उस वो एक प्लेलिस्ट में रहेगा, कोई भी अगर बाद में कोई सीरीज़ को फॉलो करे तो एक ही प्लेलिस्ट में नेचुरल केयर क्या पूरा A to Z, मतलब एडल्ट बर्ड, सेमी एडल्ट बर्ड, सेल्फ फीडिंग बेबी, इमनी मतलब जो नॉर्मल अभी न्यू बॉर्न बेबी, सभी के ऊपर होगा। तो इसलिए कमेंट्स ज़रूर करना। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वी प्लस को मैं और भी अपडेट कर रही हूँ, ग्लोइंग बेबी को और भी अपडेट कर रही हूँ। ये अपडेट 15 तक जनवरी तक आप लोगों के पास पहुँच मतलब ये अपडेट मिल जाएंगे, क्योंकि वी प्लस का कलर को देखिएगा, जिसके जिसके अभी वी प्लस पहुँचा है कलर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो मैंने केमिकल वाला कलर नहीं है, वो इन्ग्रीडियंट्स का कलर है।
फिर भी मैं सोचा हूँ, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है, दादा काला तो ऐसे नहीं था, कुछ कैब मिला या ऐसे, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो एक नेचुरल चीज़ है। फिर भी मैं झूठ बोल के तो अब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, जो नेचुरल है जब हमेशा बोलूँगा नेचुरल है। फिर भी हम कलर जो पहले था उसी इंग्रेडिएंट से ही काम करेंगे, उसमें भी अभी जो कलर है वो प्रोबायोटिक के इम्प्रूव करने के लिए नेचुरली, लेकिन वो केमी मतलब वो जो आपका इंग्रेडिएंट है उसको छोड़ के हम दूसरा इंग्रेडिएंट्स के ऊपर काम करेंगे जो प्रोबायोटिक के ऊपर काम करते हैं। तो ये अपडेट आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे और ग्लोइंग बेबी का अपडेट भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ बोलना था, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, बेबी केयर एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इफ़ेक्टिव मतलब सिचुएशन है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जो लोग जिसके घर में पहली बार बेबी हो रहा है, और बेबी किन किन कारण रिकेट आता है ये पहले हम बोल ले। माँ बाप के शरीर में सही से न्यूट्रिशन नहीं है तब से आ सकते हैं। माँ बाप अगर डिफरेंट ब्लड लाइन नहीं होगा, मतलब एक उसका जो माँ बाप है मतलब सेम ब्लड लाइन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। सेम ब्लड लाइन से लंबर्ड में क्या होता है, फर्स्ट क्लैच में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सेकेंड क्लैच में भी सही से प्रॉब्लम, थर्ड क्लैच से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फेदर नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा बेबी का, ये सारे चीज़। और एक होता है अब आफ्टर बॉर्न बेबी, मतलब बेबी का जन्म होने के बाद माँ बाप सही से फीड नहीं करवा रहे हैं, या हम लोगों को जो सपोर्ट देना है वो हम सही से नहीं दे रहे हैं। ये सारों चीज़ों का बहुत सारे चीज़ें हैं जो कोई भी कारण हो सकता है, आपके साथ क्या घट रहा है ये चारों कारण के भीतर ही कुछ ना कुछ होगा। तो देखिए, बेबी का फर्स्ट जन्म हुआ, मैंने क्या करता हूँ इस टाइम पे, मैं ज़रूर नेचुरल और केमिकल मतलब मेडिसिन का ज़रूर सहारा लेता हूँ, लेकिन मेडिसिन वही जो हम लोग खुद जाने, जिसके जो मेडिसिन को ऊपर पहचान है मेरा, अनकॉमन मेडिसिन को ऊपर मैं इस टाइम पे ज़्यादा कोई काम नहीं करता हूँ। मेरे एक दिन से जब बेबी का जन्म हुआ उससे बाद दिन से, मतलब मान लीजिए एक राउंड फिगर में पकड़ लीजिए उसका दो दिन का उम्र है, उसी टाइम से मेरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सहारा हजम ज़्यादा नहीं वही बोनीसोन थोड़े बहुत, कैल्शियम का सहारा मैं ज़रूर लेता हूँ, वो भी दोनों कैल्शियम, ठीक है, सुबह में एक कैल्शियम, दोपहर में एक कैल्शियम, बेबी में ही जा रहा है, मतलब माँ बाप को हम दे रहे हैं। अभी बोलेंगे दादा इतनी सारी ज़रूरत क्या है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा स्टडी है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं करता हूँ। लेकिन हम लोग हम आपको कभी सजेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग हमको फॉलो कर रहे हो सही से फॉलो करो, आधा अधूरा फॉलो मत करो, और एक भरोसा रखो। देखिए, अब किसी को भी पकड़िए, मेरे को पकड़िए, ये हम नहीं बोल रहे, किसी को भी फॉलो कर रही, उसका पूरा फेथ रखिए तभी जाके, क्योंकि फेथ ऐसे नहीं होना चाहिए जब हम 30% विश्वास करें 20% अविश्वास करें, ऐसे नहीं होता है। करना है तो पूरा कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, ज़रूरी नहीं है। मेरी बात सुनने जो आप लोगों को जो रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग पूरा निर्भर है उसको ही रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए जितना बोल रहे हैं मैं जानबूझ के ही बोल रहे हैं, मैं कोई आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका तो छोड़िए, मैं कभी बाट्स का कुछ नुकसान हुआ होगा ये कभी सपनों में भी, मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसे सोच नहीं आता, तो इसीलिए भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस जो मेडिसिन मैंने पहले एक बेचा था, तो कुछ लोग वीडियो देखा था, बाट बूस्टर बाट के बूस्ट प्रॉब्लम आया था, मेरे खुद का प्रॉफिट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन नहीं, अगर बाट्स का प्रॉब्लम है तो मैं ज़रूर निकल के चले आया। उसके टाइम पे ही मेरे फूड पहले से ही मेरा था वी प्लस, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर दिया, तो इसीलिए शुरू से केमिकली नहीं, नेचुरली जो डाइट है माँ बाप को जो खाना, और उसके टाइम कोई भी सीजन हो एक फूड का सहारा ज़रूर लीजिए, और आपका स्पैरो ग्रुप का बाट है तो चिकन फूड भी उस टाइम पर दीजिए, सप्ताह में वो कभी भाग कर लीजिए, मतलब सप्ताह में दो दिन सीजन के अनुसार, एक फूड तीन दिन, चिकन फूड दो दिन, हम लबर्स के नहीं बोल रहे, स्पैरो ग्रुप का बार मतलब फिन जाबा इसके ऊपर बात करें, फिर लबर्स बजीज कॉकटेल कानूर के ऊपर जो फूड हम हमेशा प्रोवाइड करते हो वही कीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक बैलेंस का मात्रा होना चाहिए, क्योंकि जो शुरू का जो टाइम होता है ना बहुत ही एक मतलब वैल्यूएबल टाइम होता है, बहुत ही डेंजरस टाइम होता है, बच्चा उसी टाइम पे अगर सही से उसको फीड ना मिले और फीड से न्यूट्रिशन ना मिले तो एक्सपर्ट ज़रूर होंगे, जो ज़्यादातर घर में होता है,
और इसी कारण ये भी आज जान लीजिए, बर्ड्स का जो इनफर्टिलिटी जो होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं दादा फर्टिलिटी नहीं आ रहा है, बहुत कारण से होता है। ये भी जान लीजिए, एक कारण उसके शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं जा रहे हैं जो फूड आप प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा कारण मेल का जो उम्र है, क्योंकि अगर कॉकटेल के ऊपर बात करें, कॉकटेल का मतलब ह्यूमन के उम्र के साथ एक तुलना करना पड़ेगा, तभी जाके उसको कितना उम्र के अनुसार कितना न्यूट्रिशन डाइट देना चाहिए, ये सारे चीज़ के ऊपर मैं देखिए बता सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को लेना पड़ेगा। मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग लेने के लिए तैयार हो कि नहीं देखिए, क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए ये बातें हम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं खुद अपना समझता हूँ, इसीलिए ये बातें हम बोल रहे हैं, नहीं तो मेरा काम क्या है, वीडियो बना के छोड़ देना। आप चाहे कोई उससे नॉलेज पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, मेरे को देखने का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो हमेशा से होता है, मेरा व्यूज़ बढ़ रहा है, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है भाई, यही, लेकिन मेरे ये मेरा मोटो नहीं है, तभी जाके हर दिन नया कोई टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस नहीं करते। हम लोग चाहते हैं आपका जो अब बिगिनर हो या कुछ भी हो, हम लोग मतलब गलती करते करते ही सीखते हैं, लेकिन अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो उसी को अगर सही मायने से विश्वास करके आगे बढ़िए, पूरा चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। बहुत भाई ने फोन, देखिए फ़ोन एक बार नहीं हज़ार बार कीजिए, बहुत भाई ने फ़ोन करते हैं, मैंने देखता हूँ वो सारे चीज़ मैंने वीडियो में बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन वो सही से वीडियो को फॉलो नहीं करते। देखना है देख लिया, ऐसे मत कीजिए, सीखना है, फ़ोन से आप सीख नहीं पाओगे। मैं कितना टाइम आपके साथ बात करूँगा, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मान लीजिए, 1 घंटा, फिर भी हम सीख नहीं पाओगे, लेकिन वीडियो है सामने। आज के डेट में इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार नहीं 10 बार देखिए वीडियो, समझ नहीं आ रहा है तो देखते देखते आप सीख जाओगे। तो इसीलिए अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर फॉलो करो, कोई भी जो नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी का भी वीडियो, और किसी एक को फॉलो करो। अब अगर भटक जाओगे ना, हमको फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो, उसको, तो एक मिक्स कॉन्टेंट बन जाएगा, एक मिक्स कंटेंट बना के, क्योंकि मैं जो मतलब देखिए मेरा एक एक्सपीरियंस है, मतलब मैं जो आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ, मेरे मेडिकल का नॉलेज, मेरा खुद का प्रैक्टिकल का नॉलेज, दोनों मिला के हम शेयर कर रहे हैं, और नेचुरल का नॉलेज, तीनों मिला के हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या कभी कभी क्या होता है, इसीलिए मैं उसको बोल सकता हूँ ये परफेक्ट है, इसीलिए परफेक्ट है। जो लोग अभी तक फॉलो कर चुका है उसका रिजल्ट आप लोग खुद ही देख चुके हो अपना रिजल्ट, और मेरा जो सामने, मैं खुद अब पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को थोड़ा ध्यान दीजिए, उस टाइम पे न्यूट्रिशन को कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। फूड उम्र के अनुसार आपका आपका फूड क्वांटिटी क्वालिटी तो पहले से ही रहेगा, क्वांटिटी ऑफ फूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेंगे भविष्य उम्र के अनुसार। अगर आपका केज में आपकी एक मटकी का ही हम बात करें समझाने के लिए, 5 बच्चा है 2 माँ बाप है, तो उसी के हिसाब से उसको खाना दीजिए। फिर बेबी का उम्र आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ये भी होता है, जो मैंने देखा है बहुत सारे फॉर्म तो मैं विजिट करता हूँ, हालांकि मैं इधर नहीं दिखाता हूँ लेकिन करता हूँ, हर चीज़ शो अप करना पड़ेगा, ये हमको पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि शो अप करना है तो बहुत कुछ कर सकते थे अभी के डेट में, ऐसे बैकग्राउंड का आपको बार बार चेंज मिलता था, मतलब बहुत कुछ जैसे लोग करते हैं, लेकिन मेरे एक ही चीज़ में फोकस है, वो है जो नॉलेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना कितना परफेक्ट है। इसीलिए क्योंकि लोग जो लोग मान लीजिए 100 लोग देख रहे हैं, उनमें से 10 अगर फॉलो करे, तो फॉलो तो कर रहे हैं ना, तो उसी के लिए गलत इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो जाए, क्योंकि हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, लेकिन हालांकि कभी होगा नहीं, हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही हर दिन वीडियो जो आ रहा है, बहुत ही हम बारीकी से सोच के बात करते हैं, और मेरा जो प्रैक्टिकल और मेडिकल और नेचुरल इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसी के हिसाब से हम बात करते हैं। तो उम्र के अनुसार बेबी का उम्र 10 दिन तो खाना भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। आप लोग क्या करते हो, जो खाना दे वही क्वांटिटी, क्वालिटी तो बात छोड़ो, क्वालिटी तो आप लोगों को सजाना पड़ेगा, बैलेंस आप लोगों को करना पड़ेगा। बहुत बार हम चार्ट भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम पूछिए, हम हाल नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे इंसान हूँ कभी हाल नहीं छोड़ता हूँ, आप लोगों का भला करके ही छोड़ूंगा, ये आज का वादा है मेरा, ठीक है। तो घबराइए मत, हो रहा है तो कुछ मत कीजिए, सीखिए, सीखकर अपने नॉलेज को बढ़ाइए, फिर देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो मैंने करता हूँ, मैं करता हूँ। तो उम्र के अनुसार
पांच बेबी दो माँ बाप, मतलब एक माँ बाप मतलब सात बार से आपके पास, उम्र के अनुसार उसका खाना पीना क्वांटिटी ऑफ खाना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। और मान लीजिए उसका 20 दिन उम्र है, खाना बढ़ेगा उसके साथ साथ। वेदर चेंजेस आज के दिन डेट के आम बात है, जैसे बारिश आ रहा है तो क्या करोगे, बेबी एक्सपायर हो जाएंगे? नहीं, इस तो मेरा सोच पे नहीं आता है। मैं हमेशा जैसे मैंने सुना है, मैं मेरा प्रिकॉशन पहले से ही है, मतलब मैं कभी प्रिकॉशन नहीं लेता हूँ, जो लेता हूँ पहले से ऑफब्रीडिंग में ले लेता हूँ। अभी जानता हूँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, गर्मी बढ़ सकता है, बारिश हो सकता है, तूफान आ सकता है, मतलब मौसम कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग की संसार कोई भी स्टेबल, कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी के लिए मैं हमेशा तैयार रखता हूँ और मेरे बार्ड्स को भी तैयार करता हूँ। तो इसीलिए मेरे को कोई डर नहीं है, जो मेरे जो घर में जो अभी बेबी है मर जाएंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ मेरे बार्ड्स के ऊपर, जो वो जानता हूँ जो कैसे भी करके खुद को बेबी को संभाल लेंगे। इसी के लिए उस टाइम पे हमको सिर्फ सपोर्ट देना है, वैसे ही आप लोग कीजिए, घबराइए मत। बारिश हो रहा है आपका छत में सेटअप, डाउन में सेटअप, कुछ मत सोचिए। एक फूड प्रोवाइड कीजिए, बॉडी को कैसे हीट रख सकते हो, ऐसे हीट मत रख दिए जो उसका डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है? तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा फोकस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इतना जान लीजिए परफेक्ट 100% जो आप गलत हो, आप गलत कुछ कर रहे हो, इसीलिए इतना सारे हो रहे हैं। हाँ, हालांकि नेचुरली बहुत कुछ होता है, जैसे मैंने बोला न्यूट्रिशन को एक दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, माँ बाप के भीतर न्यूट्रिशन की कमी है। तो जैसे क्या होता है, देखिएगा हर दिन फ़ोन आता है, दादा मेरा फीमेल एक हैचिंग करते करते एक्सपायर हो गया। क्यों होता है? न्यूट्रिशन कमी, डिप्रेशन के कारण हम लोग सही से केयर नहीं पाते, सही से फ्रूट प्रोवाइड नहीं करते। वो चना, थोड़ा सा चना दे दिया, थोड़ा सा भुट्टा दे दिया, कभी चीरा, मतलब हम लोग बंगाली में जिसको चीरे बोलते बोलिए हमरा, चालेरी एक रूप उसको दे दिया, कभी उबला हुआ चावल के साथ एक फूड, ऐसे नहीं, थोड़ा सा सजाइए। अगर सजाना नहीं पा रहे हो तो बोलिए, मैं सजा दे रही हूँ आपको जितना मेरा जानकारी है, इसमें कोई प्रॉब्लम, मेरा एक ही एम है आप लोगों का भला हो, आप लोग भी हंसी खुशी ब्रीडिंग करवाए। कोई भी बात ऐसे एम फिक्स कीजिए, मेरे एवियरी में छोटा हो बड़ा हो कोई भी बार्ड एक्सपायर नहीं होना चाहिए, कोई भी बार्ड। ऐसे अगर स्टैंड मन में जोर रखोगे, ताकत रखोगे, तो देखोगे आपके फोकस पूरा पूरी उसके ऊपर आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसी को सुन रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, जो कोई भी बोल रहे हैं। इसे कल एक भाई ने फ़ोन किया था, पेट का प्रॉब्लम मेरेक्विन दे दिया। अरे पहले सोचिए मेरेक्विन से होगा, लेकिन उसके भीतर जो एडल्ट वार्ड है प्रेगनेंट के टाइम पे बहुत इफेक्ट आ जाएगा। फिर आप बोलोगे दादा आप में बेटे डिम्ब अच्छा नहीं हो रहा है, ज़्यादातर एंटीबायोटिक प्रयोग करने के बाद बाट का मूड बदल जाता है, मतलब ऐसे इच्छा, मतलब देखिए मान लीजिए जैसे क्या होता है, एक जो बाट्स का भी एक डिमांड होता है ना, हर लिविंग चीज का सेक्सुअली एक मतलब चाहिदा डिमांड होता है, चाहे वो बाट्स हो, इंसान हो, जानवर हो। अगर उसको इच्छा को अवॉइड कर रहे हैं तब उसमें न्यूट्रिशन में कमी है या उसका मन में कुछ हुआ है, दोनों में सोचिए, एक एक करके देखिए, आपको नज़र ज़रूर आएंगे। तो उसी को ठीक कीजिए, इसके ऊपर हम एक बारीकी से वीडियो बनाएंगे, बार्ड का जो सेक्सुअल लाइफ कैसे होता है। ये एडुकेशनल चैनल है इसीलिए हम बना सकते हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा जो एडुकेशनल पर्पस से, ये सारे चीज़ बातें नहीं तो यूट्यूब हमको ब्लॉक कर सकते हैं। आज के डेट में यूट्यूब बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, हर कोई इन्फॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एडुकेशन पर्पस हम शेयर कर सकते हैं, हालांकि वो जो मैं कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके साथ साथ मेडिसिन का सपोर्ट, जैसे मैंने एक चार्ट बनाया था और भी एक बना रही हूँ, उसी के हिसाब, पुराने चार्ट गलत नहीं है, उसी के हिसाब से आगे बढ़िए। विटामिन्स का ड्रॉप यूज़ कीजिए, मल्टी विटामिन्स का ड्रॉप जो होता है उसको यूज़ कीजिए, डी कॉम्प्लेक्स का सहारा लीजिए, कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता भाई, क्योंकि उसका जो बोन स्ट्रक्चर है और ग्रोथ के लिए भी काम आएंगे। लोग सोचते हैं कैल्शियम का मतलब हड्डी का तो ग्रोथ होगा ही, उसके साथ साथ ओवरऑल ग्रोथ होता है, फेदर का भी भूमिका रहता है कैल्शियम में, तो हर चीज़ में। और जो लोग वी प्लस खिला रहे हो कभी बंद मत करो, ग्लोइंग बेबी को कभी बंद मत करो, आपके हिसाब से देते रहो, आपके पास जो बार्ड है उस पर। फिर रिजल्ट आप लोगों को देख ही चुके हो, क्या रिजल्ट है, क्या परफेक्ट रिजल्ट है, नहीं है, आप लोग दिखा चुके हो, इसीलिए बोल रही हूँ। और भी आने वाले दिन में मैं अपडेट कर रही हूँ, और भी अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। देखिए जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स,
ये तो बात अब लोग तो मानोगे, जो हम बोलते हैं मुंह से, जो करके दिखाते हैं। फिर प्लस अपडेट किया, अब लोग के पास गया, रिजल्ट मिला, तभी जाके अब लोग विश्वास किए जाना जो हम बोलते हैं। हम लोग को नहीं, हमको नहीं बोलते, लेकिन मन में तो ये है, ये बंदा जो बोलते हो करके दिखाते हैं। विप्लस कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, क्योंकि सोचा बना दिया, इन्फॉर्मेशन के साथ बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, विप्लस बनाया, जो आपसे आज के डेट में आपके घर में जाके वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक महीना वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका उसका हेल्थ, उसका ब्रीडिंग, उसका बेबी, आपका जो बेबी का जन्म हो रहा है ब्रीडिंग के बाद, उसका हेल्थ, उसका कंडीशन सब कुछ देख पाओ। अभी मैं आ रहा हूँ सेल्फ फीडिंग अवस्था में, माँ बाप खिलाना छोड़ दिया है, बच्चा खाना सीखना, मतलब सीख गए हैं थोड़े बहुत फ्लाई कर रहे हैं, अब उसको अलग कर रहे हैं। अलग करने टाइम पे एकदम छोड़ मत दो। कभी कभी आप लोग बोलते हो दादा फेदर उड़ गया है, फ्लाई कर रहे, मर जाते हैं, क्योंकि वो भी केयरिंग करना चाहिए। सेल्फ फीडिंग बेबी, हमने उस दिन एक वीडियो बनाया था सेल्फ फीडिंग के ऊपर, वो बेबी है, बड़ा बेबी है, लेकिन उसको भी सही केयर होना चाहिए, सही से उसको भी सही बैलेंस डाइट प्रोवाइड कीजिए, कभी कुछ भी मत प्रोवाइड कीजिए। एक जैसे वो माँ बाप को देते हो शुरू से ही, जैसे आप मेरे घर में आके देखिए, बच्चा पहले सॉफ्ट फूड खाना सीख रहे हैं, चाहे वो चना हो, भुट्टा हो, गोभी हो, आपका गेहूं हो, आपका कुछ भी जो सॉफ्ट फूड हम प्रोवाइड करें, गाजर, बीन्स, बरबोटी, सीजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब कुछ, तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, हर कुछ खा रहे हैं। देखिए फिर जाके दोपहर में, अभी वीडियो बना रहे हैं कुर्बाना के बाद, हम दाना देंगे, वो भी सीड मिक्स देंगे, क्योंकि उसको भी खाना सीखना चाहिए शुरू से। मैं चेक करता हूँ जो सनफ्लावर खाने के बाद पेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, एकदम क्लियर है, बी प्लस तो चल रहा है, एकदम क्लियर है। तो इसीलिए डर, जैसे उस दिन बोला, डर को एक स्थान पर रखो, डर होना ज़रूरी है, तभी हम लोग भटकेंगे नहीं, मतलब कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। लेकिन इतना भी मत डरिए जो अपना रास्ता ही आप खुद ब्लॉक कर दीजिए, ऐसे मत कीजिए। हाथ को पकड़ के नॉलेज को साथ रख के आगे बढ़िए, खाने में ठीक कीजिए, खाना को, न्यूट्रिशन को ठीक कीजिए, सॉफ्ट फूड को बारीकी से देखिए, एक फूड प्रोवाइड जो आप प्रोवाइड कर सकते हो कीजिए। उसके साथ साथ ग्लोइंग बेबी आफ्टर सेल्फ फीडिंग तक, मतलब उसका उम्र मान लीजिए 40 दिन 50 दिन ऐसे हुआ है, तब ग्लोइंग बेबी ऑफ कर सकते हो, बी प्लस आप कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे आप बेच दो उस बच्चा को या खुद के पास रखो, अलग बात है। तो इसीलिए सेल्फ फीडिंग में भी वही डोज, जैसे मैंने विटामिन का ड्रॉप देने के बोला, कैल्शियम, तब सेल्फ फीडिंग मतलब वो 30 दिन 32 दिन या 35 डेज या 40 डेज हो चुका है, तो उस टाइम उसका डोजेस बढ़ेगा। और उसी टाइम पे, ग्रोइंग टाइम पे खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ना क्वालिटी ऑफ फूड ना क्वान्टिटी ऑफ फूड, दोनों फूड में, दोनों चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसे खाना मत दो जो आधा अधूरा पेट भरे, और ऐसे भी खाना मत दो सिर्फ पेट भरे, न्यूट्रिशन ना मिले, दोनों में फोकस करो। क्वांटिटी ऑफ फूड होना चाहिए, अगर एक साथ बाहर से, क्वालिटी ऑफ फूड तो होना ही चाहिए, तभी जाके आपका बेबी का कोई एक्सपर्ट चांस नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होके सेमी अडल्ट तक चले जाएंगे। तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा फोकस कीजिए फ्रेंड्स। मैंने दोनों मिला के 5 और कॉम्पैक्ट एक वीडियो बनाया, बहुत कुछ इसके भीतर है जो हम डीपली हम डिस्कस नहीं कर सकते वीडियो के माध्यम से, लेकिन कुछ दिन हम जरूर करेंगे उस दूसरे वीडियो में। लेकिन हाँ, जितना बोला अगर पालन करोगे आप लोग, मेरे उम्र छोटा है, मेरे से बहुत लोग उम्र से बड़ा है, नॉलेज से बड़ा है, फिर भी बोल रही हूँ ऐसे ही 10 सालों से मैंने इतना कुछ भीतर में नहीं जमा कर रही हूँ, बारीकी से सोच समझ के मैं वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए वो टॉपिक को जो आज रिलीज होने वाले थे, कल का जो देखिए, और एक चीज़ फ्रेंड्स ध्यान पे रखिए, अभी जैसे आज का वीडियो हम, मैं खुद अभी बना रही हूँ, आज की डेट में ही बना रही हूँ, लेकिन हालांकि हर दिन नहीं होता है, मैंने वीडियो शूट हमेशा करके रखता हूँ 4-5 वीडियो। अब लोगों को लगता है ना, जैसे दादा फ़ोन कर रही हूँ, आप तो रास्ता में है, आप तो फार्म विजिट में है, फिर भी वीडियो रिलीज होता है, मतलब आप झूठ बोल रहे हो घर में नहीं। वीडियो रिलीज़ करने के लिए मेरे हाथ में फ़ोन होना ही ज़रूरी है, क्योंकि हालांकि मैं हर वीडियो शूट करके एडिट करके यूट्यूब में अपलोड कर देता हूँ, और एक शेड्यूल है, शेड्यूल को टाइम और डेट देख कर रखता हूँ। यूट्यूब का काम है उसी टाइम पे उसी वीडियो को आप लोगों के सामने रिलीज़ कर देना, ठीक है। तो आइए जान लीजिए आज, जैसे कल का जो पोस्टिंग देखा दोपहर में, कल मैंने दूसरे बाढ़ी घाट में था,
तो उसी टाइम पे मैं पोस्टिंग किया, लोग समझते हैं दादा घर में है बोल रहे बालिंग कर रहे, झूठ मत पकड़िए, झूठ बोल के मैं आज तक मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा। वो भी शेड्यूल कर सकते हो, प्रमाण दिखाना मतलब देखना चाहते हो मैं दिखा सकते हैं, पोस्ट का भी शेड्यूल होता है, जब कब किस डेट में कौन से टाइम में पोस्ट को रिलीज़ करें वीडियो जैसे। तो इसीलिए उसका टाइम था आज के 6 बजे, लेकिन आज का 6 नहीं, कल का 6 बजे वो हम टाइमिंग चेंज कर दिया, ये वीडियो आज देख रहे हो। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।